जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप देखेंगे सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री दिगंबर जैन प्राचीन बड़ा मंदिर में विराजमान भूगर्भ से प्राप्त अतिशयकारी मनोज्ञ श्री शांतिनाथ भगवान की जिन प्रतिमा के सम्मुख 14वीं बार आयोजित 40 दिवसीय श्री शांतिनाथ महामंडल विधान के दुर्लभ दृश्य, जिसमें आचार्य चैत्य सागर जी महाराज ससंग का सानिध्य एवं मंगल आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिसमें बाल ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी के द्वारा विधान वाचन किया गया। विधानाचार्य पंडित आशीष शास्त्री जी के द्वारा इस क्षेत्र पर चतुर्दश बार 40 दिवसीय श्री शांतिनाथ विधान का शुभारंभ हुआ। रंगारे चामर सुदर पण पीठ कुंभे तले दया तपने बा रखे वो सीताग्री हम सम सम तम तम बम बम चम 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 चीम 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 द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रवे द्रवे नमोरती भगवती श्रीमती पवित्र जलेंजिन सीचियामा। आज शांति धारा करवाने का विश्व के समस्त नर नारियों में 101 परिवारों ने अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए यहाँ पर शांति धारा एवं शांति विधान करवाने का सौभाग्य प्राप्त किया है, जिनमें श्री रमा जैन की पुण्य स्मृति में श्री रमेश चंद जी जैन, पंकज जैन, प्रीति जैन, देवांशु जैन, येसु जैन, पालम कॉलोनी दिल्ली वालों ने, निकुंज जैन ने साक्षात शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्री अजय जैन, श्रीमती सपना जैन, मातेश्वरी श्री कांता जैन, अक्षय जैन, साक्षर जैन, साईबाबाद गाजियाबाद, विजय जितेंद्र कुमार जैन, नितिन कुमार जैन, नवीन कुमार पाटनी औरंगाबाद, मोहित जैन, मयंक जैन, निधि जैन, भावना जैन, पारुल जैन, दीप्ति जैन, स्नेह जैन, सब परिवार कंकर खेड़ा मेरठ, सुभाष जैन, विपुल जैन, वरुण जैन की उत्तराखंड, अभिषेक जैन, सुनील जैन आजाद नगर दिल्ली, श्रीमती सीमा जैन, जितेंद्र कुमार जैन, श्री समीता जैन मेरठ, श्री गोपेंद्र जैन, श्रीमती उषा जैन आजादपुरा मंडी दिल्ली, श्री राजा राम जैन, अभय जैन हीरापुर जिला सागर, श्रीमती लाजवंती प्रीति जैन, स्नेह जैन जैन नगर मेरठ, श्रीमती राशि जैन, दीपक जैन, श्रीमती सविता जैन मेरठ, दीप्ति जैन जन्मदिन पर, सौरव जैन, आदि जैन, विदेश जैन, पद्मा जैन अहमदाबाद, प्रमोद जैन, विक्कन लाल जैन, ओजस नक्स जैन, श्री अलवर, श्री सलेख चंद जी जैन गोयल परिवार मेरठ, श्री रमेश चंद जैन रुड़की उत्तराखंड, श्रीमती कुसुम लता जैन अरण जैन चंडीगढ़ हरियाणा, प्रकाश चंद जी जैन, आशीष जैन, आलोक जैन, प्रशांत जैन ग्वालियर, विनोद जैन, मैना जैन, हिमांशु जैन, दीपिका जैन, किम्बी जैन फरीदाबाद, श्रीमती शारदा जैन, सिद्धार्थ जैन गाजियाबाद, दीपक जैन खनगल हरिद्वार, सुधीर जैन, सुषमा जैन नरेंद्र सी, सचिन जैन, सौरव जैन, पीयूष जैन पुत्रगण, ममता जैन, राजेंद्र जैन नादवपुरम मेरठ, श्री महावीर कुमार जैन, कमल जैन, नवीन जैन, विनीत जैन, ललित जैन, सारिका जैन, मनु जैन, देशना जैन लोहड़िया परिवार राजस्थान, श्रीमती निधि जैन, विवेक जैन मैंने प्रेमपुरी मुजफ्फरनगर, श्रीमती राजेंद्र कुमार जैन, राजेंद्र राहुल बीकानेर राजस्थान, योगेंद्र कुमार जैन खेकड़ा बागपत, नमन जैन पुत्र नवीन जैन ग्रेटर नोएडा, श्रीमती उषा जैन, ऋषभ जैन जलेसर रोड फिरोजाबाद, अनूप जैन, सविता जैन दालवाले, आकाश जैन हिमानी जैन मेरठ, स्वर्गीय कैलाश चंद जी जैन, श्रीमती कमलाबाई जैन मेन रोड हसनापुर, संजय जैन, मोनिका जैन, पुष्पित जैन, मुस्कान जैन बिजनौर, श्रीमती नरेंद्र कुमार जी राजवाला, अंशुल जैन रोहिणी, सन्मत जैन, मनीषा जैन मायरा समायरा द्वारा, श्रीमती उमा जैन गाजियाबाद, गुलाब चंद, शारदा देवी पांड्या, संदीप जैन, प्रियंका जैन सपरिवार, अशोक कुमार ठेकेदार मुजफ्फरनगर,
विनोद कुमार जैन, पूनम जैन, पुत्र अमित जैन, उसकी जैन, पुत्र आदि जैन, सहारनपुर, श्रीमती अनीता जैन, तरसचंद जैन, गांधीनगर, सरदना मेरठ, विवेक जैन, दरियागंज, दिल्ली, श्रीमती नेगा जैन, विकास जैन, दुबई द्वारा, एस के जैन, यूनियन बैंक मेरठ, हंस कुमार जी जैन, सचिन जैन, सपरिवार एवं सी मुकेश जैन, बाटर वाले, श्रीमती मनोमा रैन भोगल जैन, दिल्ली, विजेंद्र कुमार जैन, आशा जैन, विजेंद्र कुमार जैन, महित जैन, सी मवाना, प्रमोद जैन, सपरिवार नियर प्रीत विहार स्टेशन रोड, दिल्ली, अंकुर जैन, श्रीमती भारती जैन, कुमारी नेगल जैन, रजित जैन, रुड़की, मनन जैन, पुत्र श्री राकेश दुमार जैन मेरठ, श्वेता जैन, आयुष जैन, बीज प्रकाश जैन, सीमा जैन मेरठ, धर्मचंद जैन, नितिन जैन, गुड़गांव द्वारा भोगल दिल्ली एवं स्वर्गीय श्री कैलाश चंद जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती कमलाबाई जैन शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हस्तनापुर से विधान कराया गया है। सापरिवार श्री बाबूराम जैन, श्रीमती सेवती देवी जैन, श्रीमती धनसवाला जैन की पुण्य स्मृति में श्री मोतीलाल जैन, सुधीर जैन, रजनी जैन, प्रेमला जैन, लंदन निवासी हस्तनापुर सापरिवार। चम छनन छनन छन बाजे रे घुंगरो छम छमा छम छनन छनन छन बाजे रे हो आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे हो आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे घुंगरो छम छमा छम छनन छनन छन बाजे रे घुंगरो छम छमा छम छनन छनन छन बाजे रे जिसे आज देखा वो कल ना रहेगा जिसे आज देखा वो कल ना रहेगा फड़कती भुजाओं में बल ना रहेगा नहीं चंद चांदी के टुकड़ों पर फूलो जहां आज मेला है कल ना रहेगा बताओ कली वह गली कौन सी है बताओ कली वह गली कौन सी है जहां पैर मानव ने मोड़ा नहीं है तुम्ही चाहो क्षण को रहे छोड़ते पर समय ने किसी को भी छोड़ा नहीं गए समय ने किसी को भी छोड़ा नहीं गए आज हस्तनापुर की ये पावन धरा ये भूमि हमारे ऋषि तीर्थंकरों और मुनिराजों से बहुत पवित्र हुई है ऐसी उस पवित्र धरा पर ऐसे महापुरुष ने यहाँ पर एक पर्व का प्रारंभ किया था और वह पर्व है रक्षा बंधन का पर्व जिस समय अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज इस पावन धरा पर पधारे और चातुर्मास कर रहे थे ऐसी उस धरा पर चार बलि आदि मंत्रियों ने यहाँ पर आक्रमण करके और उन मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग करना प्रारंभ कर दिया जैसे ही उपसर्ग प्रारंभ हुआ वैसे ही सागर चंद मुनिराज के ने श्रवण नक्षत्र को कंपायमान होते देख करके और उनके मुख से निकल पड़ा हा जैसे ही हा निकला तो उनके बाजू में बैठे हुए पुष्प दंत छुल्लक जी ने कहा गुरुदेव ऐसा क्या होने वाला है आपके मुख से ये बात कैसे निकली तो कहने लगे बड़ा आश्चर्य है बहुत बड़ी घटना घटने वाली है मुनि राजों पर उपसर्ग हो रहा है तो वो कहते हैं छुल्लक जी आप तो महान हैं और आप इस उपसर्ग को दूर कीजिए तो वो कहते हैं हमारे अंदर वो ताकत वो बल वो मेरे पास नहीं है यदि इस उपसर्ग को कोई दूर कर सकता है तो वो कर सकते हैं विष्णु कुमार मुनि उनके पास में विक्रिया रिद्धियां उनके चरणों में झूल रही हैं क्योंकि उन्होंने
आत्म विशुद्धि इतनी बड़ा रखी है कि उनके चरणों में बिन चाहे मोती मिले ऐसी रिद्धियां डोल रही हैं, तो तुरंत ही गुरुदेव का ये वचन सुनते ही चुल्लक जी विष्णु कुमार मुनिराज के पास में पहुंच गए। उन्हें नमस्कार करके और कहने लगे कि आप रिद्धिधारी हो और वहां पर उपसर्ग हो रहा है, आपको ये उपसर्ग दूर करना है। वो कहने लगे कहां मेरे पास में कुछ है, बोले नहीं गुरुदेव ने कहा है, और उन्होंने प्रैक्टिकल रूप में हाथ बढ़ाया तो उनका हाथ बढ़ते चला गया और जैसे ही हाथ बढ़ा तुरंत ही उन्हें याद आ गया बसल अंग धरे जो कोई सो तीर्थंकर पद भी होई। उन्हें बासल अंग के को निभाने के लिए और क्या किया, वहां से चल दिए। जब पद्म राजा के पास आए और कहा अपने इसमें ये इस प्रकार की प्रक्रिया, तो वो राजा कहने लगे प्राण जाए पर वचन ना जाई, मैंने ये वचन दे रखा है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तब विष्णु कुमार मुनि ने हताश नहीं हुए, निराश नहीं हुए, वहां से चल दिए और उन्होंने विक्रिया रिद्धि के माध्यम से उन्होंने वामन अर्थात उत्तर पुराण के अंदर आता है, उन्होंने ब्राह्मण का भेष धारण किया और ब्राह्मण का भेष धारण करके देखिए कितने बड़े मुनिराज विक्रिया रिद्धि के धारी। और ऐसे मुनिराज ने भी परोपकार के लिए मुनियों की रक्षा के लिए अपने भेष को छोड़ा और एक भिक्षा पात्र मांगने के लिए उन चारों बलि आदि मंत्रियों के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने ब्राह्मण का भेष देखा उनने सम्मान किया, आइए आइए, इन्होंने कहा मुझे तो कुछ भिक्षा मिल जाए, बोले आज मांग लो जो कुछ मांगना है। ये कहने लगे मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मात्र 3 डग जमीन चाहिए। हाय ये कैसा ब्राह्मण है, ये कैसी भिक्षा है, मात्र इतना ही। उन्होंने कहा मात्र इतना ही, क्योंकि संतोषी सदा सुखी, मुझे तो इतना ही चाहिए। और उन्होंने स्वीकृति दे दी और जैसे ही स्वीकृति दी तो एक पैर को मेरु पर्वत पर रखा, दूसरे पैर को मानसोत्तर पर्वत पर रखा, अब तीसरे पैर पर रखने की कहीं भी जगह नहीं थी। सारा ब्रह्मांड हिल गया, देवलोक कंपायमान हो गए, अब ये क्या हो रहा है। तब तीसरा पैर उन मंत्रियों के ऊपर रखना पड़ा। तो ऐसे हमारे दिगंबर मुनिराज परोपकार के लिए अपने जीवन को किस प्रकार प्रकाशित करते हैं, और उन्होंने जैसे ही वो रखा और तुरंत ही मुनिराजों का वो सारा जो उनके ऊपर धुआं आदि बाढ़ लगाई गई थी वो सब हटवा करके और दिगंबर मुनिराजों की रक्षा की। और दूसरे दिन श्रावकों ने खुशी में आकर के खीर बनाई और वो रक्षा बंधन का पर्व मनाया गया। और वो पर्व आज का नहीं है, मल्लीनाथ तीर्थंकर के तीर्थ काल का पर्व है। उस समय विष्णु कुमार के पिता भी महापद्म नामक चक्रवर्ती इसी हस्तनापुर की धरा पर जन्म लिया था। विष्णु कुमार मुनि ने भी इसी हस्तनापुर की धरा पर जन्म लिया था। ऐसे अनेकों महापुरुषों की ये धरा है, चार चार तीर्थंकरों के कल्याणक तो हुए ही हैं, लेकिन और भी महापुरुष विष्णु कुमार मुनि इस कार्य को करके गुरुदेव के चरणों में पहुंचे, प्रायश्चित लिया, आत्म विशुद्धि को बढ़ाया और केवली हो गए। और केवली होते ही उन्होंने मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया। तो ये हस्तनापुर की धरा है ना, उसका कण कण महापुरुषों की साधना से पवित्र किया हुआ कण है। शांतिनाथ भगवान का विधान किया, बहुत ही अच्छा लगा, और इस कोरोना काल में भी कुछ विधान करके बहुत कम लोग थे, लेकिन अच्छा लगा।
मन शुद्ध हो गया। आज यहाँ हस्तिनापुर में आकर शांति विधान पाठ में बैठे बहुत आनंद आया। इस समय जबकि कोरोना की वजह से सारे मंदिर आसपास के बंद हैं, बहुत मुश्किल से देव दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, तो आज यहाँ आकर देव दर्शन कर और उनके सामने शांति विधान करके मन को बहुत शांति मिली, बहुत अच्छा लगा। इसके लिए हम हसनापुर की कार्यकारिणी समिति को बहुत धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने इस समय भी इस चीज का, इस धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया और हमें धर्म लाभ लेने का सौभाग्य मिला। हम कल, मैं अपनी पत्नी के साथ पीठ विहार से विधान करने के लिए यहाँ आए हैं और कल भी हम विधान में बैठेंगे। परमपिता परमेश्वर से बस यही प्रार्थना करते हैं कि जो पूरे विश्व में ये जो कोरोना महामारी फैली है, भगवान इसको जल्द से जल्द खत्म करे और जो निर्दोष और बेकसूर लोग इसमें जिनकी जान गई है उनकी आत्मा को शांति प्रदान हो, उन्हें अच्छी गति मिले और जो इस बीमारी से अब तक जूझ रहे हैं भगवान उनको शीघ्र ठीक करके अपने घर वापस भेजे, यही शांति प्रदान, यही भावना बातें। ओम शांति शांति शांति। छम छमा छम छनन छनन छन बाजरे बाजरे घुंगरो छम छमा छम छनन छनन छन बाजरे बाजरे हो आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे हो आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे घुंगरो छम छमा छम छनन छनन छन बाजरे बाजरे घुंगरो छम छमा छम छनन छनन छन बाजरे बाजरे हो आदिनाथ की आरती में सब सुर